स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। दोस्तों मैं आप लोग बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से यानी कि बिहार शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि अब आप लोग जो पहले से वो कार्यरत है शिक्षक और शिक्षिकागण और जो BPSC के तहत आप लोग जो भी शिक्षक लोग ज्वाइन करेंगे उनका सैलरी और पहले से जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकागण का जो सैलरी है इन दोनों का सैलरी इक्वल करने के लिए बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करने वाले हैं, आप लोगों का एक टेस्ट लेगी। अगर उस टेस्ट में आप लोग पास करते हैं तो आप लोगों को सैलरी BPSC वाले शिक्षक के सैलरी से क्या रहेगा इक्वल आप लोगों को सैलरी दिए जाएंगे। तो चलिए इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह का वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि कैसे वह टेस्ट होगा और पास करने पर किसके बराबर आप लोग को सैलरी दिए जाएंगे। ये तमाम जानकारी आप लोग एक छोटा सा पेपर आर्टिकल के माध्यम से देने का कोशिश करूँगा। बात करेंगे हम लोग आज का पेपर आर्टिकल में दिया गया जिसमें बताया गया कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली वेबसाइट पर अपलोड सुझाव देने का समय आप लोगों का 7 दिन है। आप लोग को यहाँ पर मैं बताते चले कि नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी, परीक्षा पास करने पर मिलेंगे 3 मौका। तो चलिए आप लोग को यह क्या है क्या नहीं है इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को इस पेपर आर्टिकल में दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BPSC से नियुक्त शिक्षकों का वेतन इन्हें भी मिलेगा। कहने का मीनिंग क्या है कि जो पहले से नियोजित शिक्षक है उनको अब BPSC ने जो निर्धारित किया है वेतन, वही वेतन इन सभी लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा यानी कि दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर कैसे दिए जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाए होंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सरकार ने राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय को राजकर्मी का दर्जा देने पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतों और नगर निकायों में नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग इनकी सक्षमता परीक्षा लेगा यानी कि आप लोगों का जो परीक्षा होगा वह कौन सा परीक्षा लिया जाएगा, तो आप लोगों को यह परीक्षा होगा सक्षमता परीक्षा आप लोगों को लिया जाएगा। अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, आप लोगों को विलय कर दिया जाएगा एकल वर्ग में यानी कि अब आप लोग भी BPSC शिक्षक कहलाएंगे। और इनका जो वेतन यानी कि BPSC द्वारा जो जिस वेतन पर शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है वही वेतन सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षक नियमावली 2023 को विभाग के वेबसाइट पर क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। नियमावली पर संबंधित शिक्षकों और शिक्षक के संघ में 1 सप्ताह के अंदर निर्देश मांगा गया है। तो आप लोगों को यह क्या कर दिया गया है, अब आप लोग जो भी यहाँ पे काम करेंगे यानी कि अब आप लोगों का जो वेतन है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेतन से जुड़ी हुई जानकारी दिया गया है। तो वेतन 40,000 रुपये से ऊपर प्रारंभिक नियोजित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनके वेतन कितना रहेगा, 40,000 रुपये की राशि आप लोगों को दिया जाएगा। वही उच्च और माध्यमिक शिक्षा का वेतन कितना रहेगा, आप लोगों को 51,000 आप लोग को रहेगा। वही प्राथमिक नियोजित शिक्षा का वेतन मूल वेतन का 3,710 और उच्च माध्यमिक शिक्षा का मूल वेतन 8,350 तक का इजाफा होने वाला यानी कि आप लोग को बढ़ोतरी होने वाली है। तो यह वेतन आप लोग को तब बढ़ेंगे जब आप लोग क्या करेंगे, सक्षमता परीक्षा आप लोग पास करेंगे तभी आप लोगों को BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक कितना सैलरी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो चलिए आई होप आपके लिए यह क्या रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं वे सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है जो यहाँ पे आप लोग दिया। सक्षमता परीक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। नियमावली के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होगी यानी कि 3 अवसर मिलेंगे। जो तीसरे प्रयास में भी विफल रहेंगे उन्हें सेवा से क्या कर दिया जाएगा, विमुक्त कर दिया जाएगा यानी कि हटा दिया जाएगा। तो यह कहने का मतलब है कि अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं 3 टाइम में तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, जो वर्तमान सेवा से वंचित कर दिया जाएगा यानी कि हटा दिया जाएगा आप लोग को यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर पास करते हैं तो आप लोगों को BPSC इतना सैलरी मिलेगा यानी कि 40,000 रुपये की राशि
आप लोग दिए जाएंगे जो आप लोग जो बीपीएससी के तहत शिक्षक नियुक्त होंगे। तो चलिए आई होप आपके लिए क्या रहेगा यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और जानकारी भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा।